रोटी बन रही है शाम का नहीं, सॉरी नाइट का। और देखो लेकर मम्मी चिट्ठी बनाई है। चिट्ठी किस किस को पसंद है? लाल वाली चिट्ठी और जो भी बने वाली किस को पसंद है? हाय गाइस, मनोज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सबके साथ हम एक और न्यू ब्लॉग के साथ आगे हैं आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करने के लिए। और तो गाइस, उस कल वाले जो ब्लॉग था जिसमें मैंने होम टूर करवाया था, उस वाले ब्लॉग में आप सब ने कमेंट्स कर रखा था कि आपके पापा को क्या हुआ है। तो ये रहे मेरे पापा जी और मैं इन पापा की तीसरे नंबर की बेटी बेटी नहीं बच्चा तो तीसरे नंबर की हूँ, वैसे मैं बेटी दूसरे नंबर की हूँ। हाँ पापा जी, मेरे पापा के 5 बच्चे हैं, मतलब 5 बच्चे हैं, एक भाई है और 4 लड़कियां हैं। है ना जी? अब बताओ आपकी बेटियों के नाम क्या क्या किया है? भारती, मनीषा, शांता, किरणा और राम। राम, राम किस मेरे भाई का नाम है, वैसे उसका नाम राम सिंह है पर राम किस बोलते हैं घर पे हम। तो गाइस, ये मेरे पापा जी हैं और ये पहले इनकी हालत बहुत ख़राब थी, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी थी कि ये कुछ नहीं करते थे, ओनली बैठे लेटे रहते थे। और अब मैं ऐसी बात करूँ तो मेरे पापा टेंशन करते हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम ऐसी बातें नहीं करते इनके सामने। तो पापा जी इधर देखो, और मेरे पापा अब बहुत ठीक हो गए हैं। मेरे पापा को एक्सीडेंट हुए, इनको 5 साल हो गई हैं, कम नहीं हुआ है। बहुत सारा स्ट्रगल किया हमने अपनी लाइफ में, मेरे घर वालों ने, मेरे मम्मी पापा ने, सब ने, मेरे भाई बहन ने, सब ने, बस और इन्होंने ही सब कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में। इन्होंने पापा को संभाला, इन्होंने घर चलाया है, पूरी गृहस्थी, पूरा सब कुछ इन्होंने संभाला है पापा के बाद। और मेरे पापा जी जॉब करते थे दिल्ली पुलिस में, ऐसा ही थे, और मेरे पापा जी ऐसा ही थे। तो ये नहीं, ये वहीं पे एक्सीडेंट हो गए थे, नाइट में ड्यूटी कर रहे थे उस टाइम ही। तो गाइस, बनी रही है ब्लॉग में और बहुत सारी बातें करते हैं आप सभी के साथ। और मिलवा आज मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ। तो गाइस, मैं शादी हुई है ना तब से मैं अपनी मम्मी के घर पे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल हो गए मेरी शादी को। मैं चौथी पांचवी बार रुक रहा हूँ, तीसरी चौथी बार जो अन पापा जी मैं रुकती रही, क्योंकि 100 साल पास में था। आपको पता है 100 साल जब पास में होता ना तो कोई नहीं रुकता, कोई रुकने नहीं देता। तो इस वजह से और फिर टेंशन रहती है, काम वाम ऐसे पता नहीं क्या क्या। तो चलो गाइस, होम टूर वाला ब्लॉग कैसा लगा? और मेरी फैमिली के साथ सेकेंड ब्लॉग आप सभी के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और पापा जी एक बार कर दो। तो गाइस, मेरे पापा का ये वाला हाथ अच्छे से काम करता है पर वो साइड दूसरा वाला हाथ है ये वाला अच्छे से काम नहीं करता। मतलब तो इनको जब ये मतलब बिस्तर में थे, मतलब तो इनको पैरालाइज हो गया था एक साइड की बॉडी, इस वजह से। पर अब ठीक होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और भगवान से दुआ करना कि मेरे पापा जी जल्दी जल्दी सही हो जाए। मेरे पापा जी बहुत अच्छे पापा थे। पापा तो ठीक है, मेरे पापा से मिल लिए आप बहुत देर तक। और चलो अब चलते हैं, तो शाम का टाइम है, टाइम हो रहा है 8:30 का। तो सिस्टर बना रही खाना, तो चलो किचन में चलते हैं और बताते हैं आप सभी को, फिर बहुत सारी बातें करेंगे और आपके साथ, ठीक है? और अगर आपको जो भी अच्छे से जानना है तो आप बताना कमेंट्स में, हम आपको बताएंगे। और रही मेरी बात पापा की, तो मेरे पापा की स्टोरी बहुत लंबी है और बहुत इमोशनल है, बहुत सैड है। तो चलो चलते हैं, ठीक है पापा? आप सो जाओ, ठीक है? फिर आपका खाना आएगा, फिर आप घर आएंगे। तो मेरे पापा भी लेटेंगे, फिर मेरे पापा का खाना आएगा, खाना खिलाएंगी मेरी सिस्टर। वो अपने हाथ से खा लेते हैं, ऐसा नहीं है अपने हाथ से नहीं खाते, पर वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहते, मतलब थोड़ा संद बन जाते कपड़े वपड़े। तो इस वजह से मेरे पापा को हम बहुत अच्छे से रखते हैं एकदम, क्योंकि मेरे पापा ने हमें बहुत अच्छे से रखा है इस वजह से। तो मेरे पापा का भी अधिकार है कि उनके बच्चे उन्हें प्यार दें। ये मेरे पापा की मम्मी है। तो गाइस लाइट कम कर देते हैं और चलते हैं बाहर, फिर जाएंगे फिर। तो गाइस ये बात कर रहा है और अब तो गाइस ये हमारा डेवी क्या खा रहे हो आप? खाना खा रहा है डेवी, हमारा खाना खा रहा है, आप देख सकते हो। अब बोल कि भाई कौन सी बात कर, भाई बोल दो तो गाइस बड़ा। तो गाइस अब चलो चलते हैं, आप ये है मेरे दादा ससुर जी जो खा रहे हैं खाना। और ये दादाजी आज मैं दादाजी और वीर जी यहीं पे हैं और देवर जी गए गांव, तो इस वजह से हम यहीं पे आ गए थे, मम्मी ने बुलाया था इस वजह से। तो इस वजह से तो गाइस देखो सीरियल देख रहे हैं सब लोग किचन में,
और ये बना दिया खाना। तो गाइस ये वो खा के और इधर बन रहा खाना और डूमड़ी ये तो थमा के आ रहा है। खाना बना रही है तो छोटी वाली सिस्टर खाना बना रही है, सॉरी तनु बना रही है, छोटी वाली सिस्टर ने कैमरा पकड़ा हुआ है। और ये मैंने देखो सुबह आया था बना रहा। ये है हमारा तो चलो गाइस अब मम्मी से मिलवाएंगे आप सभी को थोड़ी बाद। मेरी बहनों को यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ना गे देसी खाना खा रहे हैं। ये अचार, रायता, ये है चटनी और ये है गुड़। सर्दी में यही वाला खाना। मिर्ची लग रही है इसको, मिर्ची खाना खाते हैं तब मिलाते हैं ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और अपनी मम्मी को बोलती हूँ आज मैं कल से ही मम्मी नहीं आज मैं रोज ही हूँ, कुछ दिन नहीं मतलब आती रहती हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम गैप नहीं देती। मम्मी बुलाई रहती है, तरुण बुलाई रहती है, माई बुलाई रहती है, कोई भी बुलाई रहता है, पर आज ऐसा हुआ कि मैं नाइट में कल से यहीं रुक रही हूँ। मैं आग लगा देती ये खाना बना रही, मतलब रोटी सेकती थी। तो आज ऐसी शादी के बाद पहली बार ये गई है उस दिन से मैं बनाती थी। ये क्या कर रहा है, क्या किया आपने बताओ जल्दी। दूध है, कैसे लग रहे ऐसे पहले बना रही थी, बहुत गुस्सा आता था ये सब ना खड़े। आप पता नहीं ये हमारा घर है और जो जो शादी हुई थी ना वो मेरी रियल सिस्टर नहीं थी, मतलब मेरे मामा जी की लड़की थी जो हमारे पास रहती थी। तो वो वाला घर का होम टूर भी आपको बहुत जल्द कराने वाले हैं, हमारे मामा जी से मिलाने वाले अभी दो तीन दिन बाद। दो तीन दिन मिला तो हम मामा जी के जाएंगे तब आप सबको मिलाएंगे। क्या हो रहा है देवी, नींद आ रही है, क्या करना है आपको, इधर देख के बोलो क्या करना है, किसके साथ सोना है, किसके साथ, तो मुंह से बोल के साथ कौन हूँ मैं। और गाइस तो कहते दही खा लीजिए, जिप्पी कर दिया दही है और गलती से वीडियो डलता ही ये पहुंच जाए खा खाना खा रही है। अरमान मलिक का देखते हैं, पर वो अभी उन्होंने नया नया चैनल बनाया, ज्यादा दिन नहीं हुए थे इसलिए से उनका भी देख लेते हैं कैसे हैं उनकी फैमिली कैसी है। हमारा कमीना और सर्दी बहुत भयंकर गाइस, भयंकर वाली, भयंकर वाली। ब्लैक टू छुप के बस पड़े रहो, फोन देखते रहो और सो जाओ। काम वाम करने वाले को बुला लो, काम करने वाले फायदा होता है।